चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग का इतिहास रच दिया है। ऐसे में लैंडर विक्रम ने चांद पर पहुंचते ही अपना काम शुरू कर दिया। विक्रम ने लैंड होते वक्त की तस्वीरें भेजी है। बता दें कि लैंडर और मॉक्स स्ट्रेक बेंगलुरु के बीच संचार लिंक स्थापित कर लिया गया है। ये तस्वीरें लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे से ली गई है। इसके अलावा लैंडिंग इमेजर कैमरे द्वारा ली गई फोटो भी सामने आ गई है। इसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा भी दिखाया गया है। वहीं लैंडर की चांद पर उतरने के बाद इसके साथ की परछाई भी दिख रही है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर समतल क्षेत्र चुना है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश अब भारत बन चुका है। चंद्रयान का लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया है। इसरो चीफ सोमनाथ ने बताया कि 2 से 4 घंटे में विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। ये इस पर निर्भर करता है कि लैंडिंग वाली जगह पर धूल कैसे जमती है। इसके बाद इसरो चार्जेबल बैटरी के जरिए रोवर को जीवित रखने की कोशिश करेगा। यदि ये सफल रहा तो रोवर का अगले 14 दिनों के लिए उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि पृथ्वी के 14 दिनों को मिलाकर एक चंद्र दिवस होता है। गौरतलब है कि इसरो बैटरी चार्ज करके रोवर को जीवित रखने की कोशिश करेगा। अगर ये सफल रहा तो अगले 14 दिनों तक रोवर का उपयोग किया जा सकेगा, जब अगला सूर्योदय चंद्र सतह पर शुरू होगा। अब आपको बताते हैं कि 23 तारीख को ही लैंडिंग के लिए को चुना गया। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। चंद्रमा पर 14 दिनों तक रात और 14 दिनों तक दिन रहता है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में चांद पर उतरेगा जब वहां रात हो रही हो तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसरो सभी चीजों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि 23 अगस्त से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी, इसलिए 23 तारीख को चुना गया। वहां रात्रि के 14 दिनों की अवधि 22 अगस्त को समाप्त हो रही है। 23 अगस्त से 5 दिसंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। इसरो के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -230 डिग्री तक चला जाता है। इतनी कड़ाके की सर्दी में दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान का काम कर पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि जब 14 दिनों तक दक्षिणी ध्रुव पर रोशनी रहेगी तभी तक इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा।